वंदे मातरम, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि कैम्ब्रिज में दिए बयान पर संसद में जवाब दूंगा, चार मंत्रियों ने सदन में मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार विपक्ष के किसी भी विचार पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं देती। कई बार मैं संसद में बोलने को खड़ा हुआ तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये वो भारत नहीं है जिसके हम सब आदमी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने स्पीकर से कहा कि मैं संसद में अपनी बात रखना चाहता हूं, सरकार के चार मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाया है तो मुझे भी सफाई देने का हक है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी आप देश के 140 करोड़ लोगों को कब तक गुमराह करेंगे। उत्तराखंड के लोक पर्व फूल देई के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति एवं परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। सीएम ने कहा कि हमें अपने लोक पर्वों एवं लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला लोक पर्व फूलदेई हमारी संस्कृति को उजागर करता है। धामी सरकार ने 77,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष बजट की सराहना कर रहा है तो वही विपक्ष बजट को निराशाजनक बता रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापरे ने बजट का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। गैरसैंण में बजट सत्र के चौथे दिन हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी की सड़कों की हालत पर सवाल उठाए और बीजेपी सरकार पर हल्द्वानी की उपेक्षा का आरोप लगाया। उत्तराखंड में इस बार बजट में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार ने इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्लस्टर स्कूल की योजना लागू की जा रही है। तो बजट को लेकर राज्यसभा नरेश बंसल ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने बजट को लोक कल्याणकारी करार दिया और कहा कि ये बजट 2025 के उत्तराखंड के रोड मैप को दर्शाता है। कहा कि इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। गैरसैंण में बजट पेश होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि सरकार के बजट ने आंख में धूल झोंकने का काम किया है। पिछले बजट का 60% केवल खर्च किया गया है, रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं है। वही उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय है, 2017 में कर में बढ़ोतरी हुई है। तो करण महारा ने कहा कि 1,34,769 का कुल कर्ज अब तक प्रदेश पर हो चुका है। प्रदेश का जो कर्ज है उस पर 6,161 करोड़ का ब्याज दिया जा रहा है। गौरा देवी कन्या धन का बजट इस बार घटा दिया जाता है। साथ ही कहा कि पलायन की सबसे बड़ी वजह है कि 6,000 गांव में सड़कें नहीं है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। पौड़ी जिले के 136 परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की 3 बार बारीकी से चेकिंग की जा रही है। पौड़ी जिले के 15 ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने ब्लॉक के परीक्षा केंद्रों में जाकर नकलविहीन तरीके से परीक्षाओं को संपन्न करवाएं। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने बजट को दुर्गम क्षेत्रों समेत प्रदेश के सभी वर्गों की अभिलाषाओं को पूरा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका प्रमाण है बजट का आकार, जो राज्य बनने के समय मात्र 4,000 करोड़ था और आज 77,000 करोड़ तक पहुंच रहा है। पुलिस कार्यालय रुद्रप्रयाग के सभागार में व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, बस यूनियन और जीएमओयू के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित सभी का स्वागत किया गया और प्रभारी निरीक्षक की ओर से गोष्ठी का शुभारंभ कर सभी का परिचय कराया गया। जोशीमठ में प्रशासन की ओर से नगर में असुरक्षित भवन जिनका भुगतान हो चुका है उन भवनों को सील कर दिया है।
यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। कई प्रभावित परिवार अभी भी इन असुरक्षित भवनों में जा रहे थे। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में बाजपुर में SDM राकेश तिवारी ने दोराहा नैनीताल मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। तो SDM राकेश तिवारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा पहले लोगों को अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके चलते टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रुड़की की बंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके बाद हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए कार हाईवे पर पलट गई। हादसे में नोएडा निवासी चार दोस्त घायल हो गए। इसी दौरान पूरी घटना पास के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मसूरी में SDM नंदन कुमार द्वारा मसूरी माल रोड के सौंदर्यकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर SDM कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान माल रोड के कार्यों को लेकर कुछ अधिकारियों की लापरवाही को लेकर SDM ने जमकर फटकार लगाई। तो स्वास्थ्य विभाग में कोविड काल के दौरान तैनात तो उपनल कर्मियों की सेवा भी समाप्त हो गई है। इस पर कर्मचारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज कर्मचारियों ने अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो आंदोलन जारी रखेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। दिनेशपुर के स्कूलों में भी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। शहडोल जिले की पुलिस ने डिजिटल पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। इससे सोशल मीडिया के एक एक मैसेज पर शहडोल पुलिस की टीम की नजर रहेगी, जिससे पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली के राहगीरों को निशान बनाकर महंगे मोबाइल लूटने वाले दो लुटेरों को स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर सचिन मान की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान नरेला निवासी के रूप में हुई है। दोनों के कब्जे से एक चोरी की बाइक और लूटे गए 7 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। जगदलपुर में पिछले दिनों गीदम रोड पर चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद मामले में बोधघाट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपी की तलाश जारी है। रायपुर के रामकृष्ण परमहंस वार्ड में नंबर 19 और 20 में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर इस सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे यहां के लोगों को फायदा मिलेगा। 18वीं CRPF कंपनी ने टाउन हॉल कुलगाम में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। उक्त कंपनी अतीत में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत पूरे जिले के माध्यम से कई शिविरों और अन्य लोगों के अनुकूल कार्यक्रमों का आयोजन करती है। एक संवेदनशील क्षेत्र कुलगाम में लोगों को अब इस तरह के आयोजन का लाभ मिल रहा है। रोही प्रखंड में लगातार पंचायतों में डस्टबिन वितरण कार्य जोरों पर है। रोही प्रखंड के 3 पंचायतों में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत द्वितीय चरण में डस्टबिन वितरण की शुरुआत की गई। हवनपुरा में BDO लक्ष्मण कुमार प्रमुख उप प्रमुख और मुखिया ने कार्यक्रम की शुरुआत कर पिता काटकर की। पूंछ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पहली बार किसानों को सब्जियों के बीज तैयार कर सब्सिडी रेट पर दिए जा रहे हैं, जिसमें कद्दू करेला टमाटर खीरा और कई अन्य सब्जियों के बीज तैयार किए गए हैं। सभी किसानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह फायदेमंद कदम है, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का अल्मोड़ा के विकास खंड स्थल पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने मां मानिला देवी की पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद दिया। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ सशक्तिकरण अभियान का भी शुभारंभ करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में रनहोला थाना इलाके में एक ठिकाने पर चल रहे गैंबलिंग के अड्डे पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान मौके से 1.56 हजार से ज्यादा कैश और 400 से ज्यादा प्लेइंग कार्ड भी बरामद किए गए।
अल्मोड़ा जिला पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। अपने इस अभियान के तहत भतरौज खान पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चालक दिनेश सिंह मनराल के पास से 25,000 की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तरकपुर में आयोजित 10 दिवसीय राज्य स्तरीय मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेले की तैयारियों को लेकर जिले के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए बताया कि 19 मार्च से शुरू होने वाले मेले का शुभारंभ प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से मुखातिब छिमवाल ने इस बार के बजट को बेहद निराशजनक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है जिसका बजट में ध्यान नहीं रखा गया है। राहुल छिमवाल ने कहा कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है उससे राज्य कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा। बिजनौर में एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी दौरान घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अयोध्या में खाद्य सुरक्षा विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए खूब प्रचार प्रसार कर रहा है। इसके लिए चौक चौराहों होर्डिंग्स वहां पर लगाए गए हैं जिसमें विभाग की तरफ से लोगों को बदले मौसम में खान पान का ख्याल रखने की सलाह दी गई है। मेरठ में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी और कानूनी के शिकंजे से बचने के लिए दोनों ने नहर में डूबने का दावा भी किया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत का खुलासा हो गया। जगदलपुर में पुलिस का अपराध के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने धोखाधड़ी का खुलासा किया है। दरअसल 30 युवकों के साथ नौकरी के नाम पर 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच टीम गठित की। तो फिरोजाबाद में जिला विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल मखनपुर थाना क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी बनाई जा रही थी। शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कराया। इंदौर के वार्ड 60 के पार्षद आसाफ अंसारी के दफ्तर पर एक व्यक्ति ने तोड़फोड़ की। दरअसल शहरियों की शिकायत पर पार्षद ने खराब बोरिंग को ठीक करवाया था जिसके बाद व्यक्ति ने बोरिंग पर कब्जा कर लिया। इसी विवाद में व्यक्ति ने पार्षद के दफ्तर पर तोड़फोड़ की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की। बस्ती के भतुपुर गांव में 3 दिव्यांग भाइयों को डीएम प्रियंका निरंजन ने मुख्यमंत्री आवास की सौगात दी है। तीनों भाई जन्म से ही दृष्टि बाधित है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। डीएम प्रियंका निरंजन की पहल पर तीनों दिव्यांग भाइयों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि की पहली किस्त जारी की गई है। लखीमपुर खीरी के गोला में पुलिस क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किए बदमाश पर लूट गैंगस्टर रेप सहित करीब 5 मुकदमे दर्ज है। मेरठ में नगर निगम एक्शन में है। बीते मंगलवार हाउस टैक्स वसूली का अभियान चलाया। अभियान के पहले दिन हाउस टैक्स न जमा करने वाले प्रतिष्ठानों को सील किया गया। इस दौरान समीर गार्डन में एक व्यक्ति के प्रतिष्ठान पर 1 लाख से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया होने पर कुर्की के तहत व्यक्ति की बाइक जब्त कर ली गई जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय गोंदा रंगनाथ का मेला वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान रंगनाथ को चंदन के रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने रथ खींच कर पुण्य कमाया। इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र चंदन की लकड़ियों से बना सैकड़ों वर्ष पुराना रथ है। तो वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान जय शाह ने गंजारी में बनने वाले स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। इस दौरान बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के नगर विधायक मनीष असीजा ने सड़क का उद्घाटन किया। 800 मीटर लंबी सड़क बल्टीगढ़ चौराहे से नए बाईपास तक मंजूर कराई है। 800 मीटर सड़क की कुल लागत 2,43,00,000 रुपए बताई जा रही है।
कानपुर के महाराजपुर में डेंटल सर्जन की निर्मम हत्या कर दी गई। इसी दौरान इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस हत्याकांड में शामिल डॉक्टर के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुमका में स्कूल के चौथे माले से गिरकर इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बस्ती में बीती रात अचानक एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सोनभद्र के मानपुर गांव की एक महिला अपने पति की दूसरी शादी से नाराज होकर दो बच्चों संग ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को थाने लाकर पूछताछ की। वहीं आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। धौलपुर के सदर थाना इलाके में एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर से ड्राइवर को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने बंधक बना लिया। इसी दौरान युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांदा में कार ने वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिरोजाबाद में आवारा घूम रहे लगभग 1344 गौवंश को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन 31 मार्च तक अभियान चलाएगा। प्रशासन ने आवारा गौवंश को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर महानिदेशक सशस्त्र सेवा बल रश्मि शुक्ला अवस्थी ने शिष्टाचार भेंट की। गुंडा में पुलिस ने किराना व्यापारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। साथ ही वारदात में शामिल कार बाइक और 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। बुलंदशहर में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। इसी दौरान परिजनों में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। वहीं चिकित्सक अस्पताल से फरार हो गए। बागपत के जिला जज संजीव पांडे ने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी जनपदवासी उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करने का प्रयास करें। फिलहाल संगम एक्सप्रेस में इतना ही। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।